आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। संथाल में आरजेएस की धमाकेदार एंट्री ने दलों में मचाई खलबली। झामुमो और भाजपा के बाद तीसरी मजबूत ताकत बनकर उभरी। एक दर्जन सीटों पर पार्टी ने उतारे हैं प्रत्याशी। ताला मरांडी और अकील के साथ स्टेफी दे रही दूसरे उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। इरादे बुलंद हों तो लक्ष्य आसान हो जाता है। झारखंड विधानसभा चुनाव में बुलंद इरादों के साथ उतरी आजसू। सुदेश के नेतृत्व में झारखंड में तीसरी बड़ी ताकत के रूप में उभरी है। संथाल की जिन 16 सीटों पर 20 दिसंबर को वोटिंग होगी, उनमें से एक दर्जन सीटों पर आजसू ने उम्मीदवार उतारे हैं और बोरियो, पाकुड़, चामा और अन्य दो सीटों पर तो आजसू उम्मीदवार बेहद मजबूत हैं। इनमें से बोरियो से विधायक ताला मरांडी तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ है। वहीं पाकुड़ सीट से पार्टी उम्मीदवार अकील अख्तर यहां से विधायक रह चुके हैं और यहां के वर्तमान विधायक तथा कांग्रेस प्रत्याशी आलमगीर आलम को तगड़ी चुनौती दे रहे हैं। जामा सीट पर स्टेफी टेरेसा मुर्मू आजसू उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं और अपनी पैठ क्षेत्र में बनाने की कोशिश कर रही हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आजसू संथाल में बड़ी ताकत बनकर उभरी है और अपनी रणनीति से इसने विरोधियों को चौंका दिया है। संथाल में आजसू का उभार और उसके उम्मीदवारों की राजनीति पर प्रकाश डालती दयानंद राय की रिपोर्ट। संथाल में पूरी ताकत से चुनाव के मैदान में उतरी आजसू झामुमो और भाजपा की सीटों पर सेंधमारी करने में लगी है। संथाल झामुमो का गढ़ रहा है और भाजपा इसमें बहुत हद तक सेंधमारी कर चुकी है, लेकिन पहली बार संथाल में ताल ठोक कर चुनाव के मैदान में उतरी आजसू ने ये बता दिया है कि वो भी इस मैदान में किसी से कम नहीं है। आजसू ने संथाल में 12 सीटों पर उम्मीदवार दिए हैं, जिनमें 10 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। आजसू के केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर देव शरण भगत ने बताया कि ये पहली बार है जब आजसू पूरी ताकत के साथ संथाल में चुनाव के मैदान में उतरी है। जिन 12 सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशी दिए हैं, उनमें से 5 सीटों राजमहल, पाकुड़, नाला, बोरियो और मधुपुर में पार्टी के प्रत्याशी कड़ा मुकाबला कर रहे हैं। संथाल में आजसू के छाने की वजह ये है कि आजसू पहली ऐसी पार्टी है जिसने गांव की सरकार का नारा दिया। ये सच्चाई है कि झारखंड और पूरे देश में गांव आज भी उपेक्षित है और आजसू ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो गांव और गांव के लोगों की बात करती है। झारखंड के लोग झूठ और लूट से उब चुके हैं। वे झूठ और लूट दोनों से मुक्ति पाना चाहते हैं और ये विकल्प आजसू उन्हें दे रही है। सकारात्मक राजनीति कर रहे सुदेश। झारखंड की 53 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों को उतारने और उनकी चुनावी नैया पार कराने में जुटे आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो झारखंड को सकारात्मक राजनीति का संदेश दे रहे हैं और मुद्दों पर बात कर रहे हैं। जामताड़ा में बुधवार को आयोजित रोड शो में सुदेश ने कहा कि ये चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं है, ये प्रदेश की समस्याओं पर केंद्रित है। आजसू की सरकार बनेगी तो गांव की सरकार होगी। अब तक सेवा कराते आ रहे अधिकारियों को गांव की चौपाल में जाना पड़ेगा। जाहिर है आजसू का विजन ग्राम स्वराज का है और ये महात्मा गांधी के राजनीतिक आदर्शों से प्रेरित प्रभावित है। यही विजन आजसू को अन्य दलों से अलग करती है। संथाल में आजसू प्रत्याशियों की स्थिति पर नजर डालें तो जिन 5 सीटों पर आजसू बेहद
मजबूत स्थिति में है। उनमें से एक राजमहल सीट पर आरजेएसयू के मोहम्मद ताजुद्दीन, भाजपा प्रत्याशी और विधायक अनंत ओझा को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। यहां अनंत के मुकाबले में झामुमो के किताबुद्दीन शेख और झाविमो के राजकुमार यादव हैं। इसी तरह बोरियो सीट पर पार्टी के प्रत्याशी ताला मरांडी का मुकाबला झामुमो के लोबीन हेम्ब्रम और भाजपा के सूर्य नारायण हांसदा से है। झाविमो ने यहां बाबूलाल मुर्मू को प्रत्याशी बनाया है। जामा सीट पर पार्टी ने स्टेफी टेरेसा मुर्मू को प्रत्याशी बनाया है और वो झामुमो की विधायक और प्रत्याशी सीता सोरेन को कड़ी टक्कर दे रही हैं। यहां झाविमो ने सुरेश मुर्मू को प्रत्याशी बनाया है। पाकुड़ सीट पर पार्टी ने अकील अख्तर को प्रत्याशी बनाया है, जो कांग्रेस के आलमगीर आलम को टक्कर दे रहे हैं। नाला सीट पर झामुमो के रविंद्रनाथ महतो के मुकाबले में पार्टी ने माधव चंद्र महतो को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा ने यहां सत्यानंद झा बाटुल को उम्मीदवार बनाया है। और एक महत्वपूर्ण सीट जामताड़ा की बात करें तो यहां से आरजेएसयू ने विष्णु भैया की पत्नी चमेली देवी को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि यहां विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी अच्छी स्थिति में हैं, पर चमेली देवी उन्हें कड़ी टक्कर दे रही हैं। भविष्य पर है आरजेएसयू की निगाहें। झारखंड में भाजपा संघ गठबंधन से अलग होने के बाद आरजेएसयू पार्टी झारखंड में भविष्य की राजनीति कर रही है। इस राजनीति में खुद को स्थापित करने के लिए सबसे पहले आरजेएसयू ने विचारधारा के स्तर पर खुद को मजबूत किया है और वैसे नेताओं को पार्टी में शामिल कराया है जो कद्दावर हैं और जिन दलों में वे थे वहां किसी वजह से असहज महसूस कर रहे थे। आरजेएसयू पार्टी के घाटशिला प्रत्याशी प्रदीप बलमुचू हों या छत्तरपुर से विधायक रहे राधा कृष्ण किशोर या फिर पाकुड़ से विधायक रह चुके अकील अख्तर, इसके अलावा भी अन्य नेताओं को पार्टी में शामिल कराकर आरजेएसयू ने खुद को झारखंड की राजनीति में मजबूत किया है। आरजेएसयू पार्टी का बुद्धिजीवी मंच, जिसका नेतृत्व डोमन साहू कर रहे हैं, साइलेंट रहकर आरजेएसयू को विचारधारा की ऊर्जा प्रदान कर रहा है और सुदेश महतो उस विचारधारा को अपनी जुबान से आवाज दे रहे हैं। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर देव शरण भगत भी पार्टी की आइडियोलॉजी को धरातल पर उतारने में गंभीरता से जुटे हुए हैं और यही वजह है कि पार्टी विस्तार और बदलाव की राजनीति में गंभीरता से जुटी हुई है। इस विधानसभा चुनाव के पूरे प्रचार अभियान में आरजेएसयू नेताओं के भाषण केवल अपने एजेंडे पर केंद्रित रहे और उन्होंने बेवजह आरोप प्रत्यारोप में खुद को उलझने से बचाए रखा। यही कारण है कि आरजेएसयू की सभाओं में भारी भीड़ उमड़ती रही और कहीं कोई विवाद नहीं हुआ। विरोधी दलों में मची खलबली। आरजेएसयू के इस साफ सुथरे और सुलझे भाषाओं और सकारात्मक राजनीति की रणनीति ने भाजपा और कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दलों के साथ साथ झामुमो और झाविमो जैसे क्षेत्रीय पार्टियों में खलबली मचाई है। चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में हालत यहां तक पहुंच गई कि दूसरे दलों के नेता भी आरजेएसयू नेताओं के भाषणों का वीडियो गौर से सुनते रहे। गांव की सरकार और अधिकारियों को पीपल इमली के पेड़ के नीचे लगी चौपाल में बैठाने की बात करने वाली आरजेएसयू ने केवल अपनी बात जनता के सामने रखी, चाहे एनआरसी जैसे राष्ट्रीय मुद्दे हों या फिर विस्थापन और बेरोजगारी जैसे प्रादेशिक मुद्दे। आरजेएसयू ने बेहद सुलझे ढंग से अपनी बात जनता की अदालत में पेश की। अब 23 दिसंबर को आने वाला चुनाव परिणाम चाहे कुछ भी हो, इतना तय हो गया है कि आरजेएसयू ने वैकल्पिक राजनीतिक ताकत के रूप में खुद को स्थापित कर लिया है और उसके सामने पाने के लिए पूरा आसमान खुला है। आजाद सिपाही के खबर विशेष में अभी इतना ही। खबरों की
और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही, और आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पेज पर देख रहे हो तो आप हमारे इस Facebook पेज को जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।